देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपके इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना है। पहले आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। ओके, कर लिया। देखो, कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, एक कोई वृत्ताकार पथ है, बात समझना। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, अच्छा ठीक है, सोनिया मतलब कोई एक लड़की है, सोनिया जैसे नाम से ही लग रहा है, एक लड़की है, उसको कितने मिनट लग रहे हैं, उसको 18 मिनट लग रहे हैं, है ना। मतलब सोनिया ने सपोज करो यहाँ से स्टार्ट किया और ये ऐसे किया और उसको कितने लग गए, 18 मिनट लग गए। ठीक, अच्छा, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पे थोड़ी पार्शियलिटी हो गई है, लड़कियाँ यहाँ पे थोड़ी सी गुस्सा, मतलब चलो कोई बात नहीं। तो क्या कह रहा है, इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब कोई रवि नाम का एक लड़का है, रवि भाई लड़का ही होगा, ठीक है ना, उसको कितने लग गए, उसको 12 मिनट लग रहे हैं, और जो सोनिया है उसको लग रहे हैं 18 मिनट। बुक वाला सर बस मिल जाए एक बार, हम बताते हैं फिर। ठीक, देखो, अच्छा कहता है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। अब क्या करना है कि दोनों को एक ही स्थान से और एक ही समय पर उन दोनों को चलना है, मतलब उन्होंने चलना स्टार्ट किया, चलना प्रारंभ किया। ठीक है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलो, अच्छा आ रही बात समझ में, क्या करना है हमें। देखो, कह रहा है कि सोनिया है और रवि, ये दोनों सेम स्थान से चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और फिर ये बताता है भाई, ऑब्वियस सी बात है, रवि की स्पीड ज़्यादा है ना, और सोनिया की स्पीड कम है, तो सोनिया धीरे धीरे क्या होती जाएगी, पीछे होती जाएगी, पीछे होती जाएगी। फिर रवि जब एक चक्कर और लगा लेगा, सोनिया और पीछे होती जाएगी, रवि एक और चक्कर और लगा लेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो सोनिया को आकर कैसे पीछे से, मतलब वो मीट करेगा। ठीक है, दोनों फिर से साथ में हो जाएंगे। तो वही बोल रहा है कि वो ऐसा कब समय आएगा। ठीक है, ऐसा समय कब आएगा। देखो, तो सिंपल सी बात है, बात समझो, आपने कहा सर अब हम इसका क्या निकालें, पर सर दो ऑप्शन है, हम इसका महत्तम समापवर्तक निकाल लें या लघुत्तम समापवर्तक निकाल लें। ठीक है, बात समझना, हम इसका लघुत्तम समापवर्तक निकाल लें या महत्तम समापवर्तक निकाल लें। तो बात समझो, अगर आप इसका महत्तम समापवर्तक निकालते हो, ठीक है, तो 12 है 18 है, सिंपल सी बात है, 12 और 18 का जो महत्तम समापवर्तक आएगा वो कितना आएगा, तीन आएगा, क्योंकि तीन हमने बताया ना, महत्तम समापवर्तक का मतलब याद रखो कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को क्या कर दे, जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। और लसक की लघुत्तम समापवर्तक की किस्म क्या बोलते थे बच्चे, कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो आपने कहा सर तीन, अब मतलब तीन मिनट बाद, मतलब चलना तो दूर छोड़ो, मतलब वो तो अभी एक राउंड भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, तो सर तीन मिनट में कैसे वो एक दूसरे को फिर से आपस में एक ही स्थान पर मिलेंगे। आ रही बात समझ में ना, फिर से वो कैसे आपस में एक ही स्थान पर मिलेंगे तीन मिनट बाद, तो पॉसिबल ही नहीं है, है ना। आपने कहा सर SCF मतलब लघुत्तम समापवर्तक, अरे बात समझ, तो यानी कि हमें अगर ये टाइम अगर निकालना है कि कितने समय बाद, है ना, मतलब वो कम से कम समय बताओ। देखो इसके यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, कि वो कम से कम आप समय बता दो कि जब वो दोनों फिर एक ही जगह पर जाकर के मिल जाएंगे, एक ही स्थान पर जाकर के मिल जाएंगे जहां से उसने अपनी उन्होंने अपनी रनिंग स्टार्ट करी थी। ठीक है, चलो, अच्छा समझ में आया सर, रियल लाइफ में तो ऐसी चीजें होती नहीं है, आप जाते हो फील्ड में चक्कर लगाते हो, अकेले चक्कर लगाते हो और आ जाते हो। ओके, कोई बात नहीं। देखो, आपने कहा सर हमें करना है, क्या करना है, हमें इसका SCF निकालना है। ठीक है ना, तो हमने कहा कि देखो बात समझो, यानी कि हम ये डायरेक्टली क्या कर लें कि 18 है ना, 18 मिनट तथा 12 मिनट का लघुत्तम समापवर्तक लेने पर ले लेते हैं सर, 18 है, अब तो आप ले लो गुणनखंड इसका कर दोगे, क्या मिल जाएगा, 2 गुणे ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 और 4 हो गया, और एक मिनट कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 कितना हो गया, 6 हो गया, और 6 3 18 गुणे 3, आ रही बात, 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है ना, डायरेक्टली अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप ऐसे कर लो, ये आपने लिखा 2 9 18 3 3 9 3 1 3 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अच्छा आपने कहा सर 12 है, 12 का हम भी गुणनखंड कर लेते हैं, 12 हमारे कैसे हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, है ना, आ रही बात समझ में, ऐसे कर सकते हो आप, है ना, 2 6 2 3 3। ठीक है, ये कहा आपने सर, कहा हमें सर लसा चाहिए, लघुत्तम समापवर्तक चाहिए, तो कितना हो जाएगा, देखो 2 कॉमन है, 2 हमने ले लिया, 3 भी कॉमन है,
तीन भी हमने ले लिया। अब आपने कहा सर यहाँ पर एक तीन मेरा बच गया, कोई बात नहीं इस तीन को भी ले लो। आपने कहा सर मेरा ये दो बच गया, इस दो को भी आप ले लो, ले लिया। अब देखो कितना हो गया, दो गुणे तीन कितना हो गया छः, दो गुणे तीन छः, छः छत्तीस, कितना हो गया छत्तीस, यानी कि 36 मिनट बाद है ना, 36 मिनट बाद जो है वो दोनों फिर से एक ही बिंदु पर आपस अपने फिर से एक ही बिंदु पर वो मिलेंगे। आरी वास्तव में है ना, तो हम क्या लिख दें, अतः सोनिया तथा रवि, ठीक है, अतः सोनिया तथा रवि 36 मिनट पश्चात, ठीक है, 36 मिनट पश्चात क्या मिलेंगे अपने प्रारंभिक स्थान पर, 36 मिनट पश्चात अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आगे बात समझ में, तो ऐसे आपके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो ये आपका एक्सरसाइज हो गया खत्म, प्रश्नावली एक जो दो था वो खत्म हो गया। बस इसमें दो एक्सरसाइज, दो प्रश्नावली और बचे हैं, बहुत ही आसान है, कोई भी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है ना। बट उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। ओके चलो, तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट हम अपने टॉपिक में, है ना, नेक्स्ट हमारा जो भी टॉपिक होगा उसको देखेंगे। चलो पढ़ाई करते रहो और अपने नोट्स खुद से बनाते रहो। ओके।